प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की 107वीं कड़ी का दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उपराष्ट्रपति आज शाम कानून मंत्रालय के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तूपरान और निर्मल में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं। कांग्रेस और बीआरएस भी कर रहे हैं कई जनसभाएं। हवास ने संघर्ष विराम के दूसरे दिन 13 इजरायली और 14 और 4 विदेशी बंधकों को किया रिहा। संघर्ष विराम के बाद गाजा में तेजी से पहुंच रही है राहत की सामग्री। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत की 1-0 से बढ़त। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी फाइनल में। चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से होनी है भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पहल पर विधिवेता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संविधान दिवस के मौके पर कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कानून मंत्रालय और भारतीय विधि संस्थान मिलकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तनकारी संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 5 तकनीकी सत्र होंगे। कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शिक्षा जगत समेत अन्य लोग देशों के कानूनों के सुधारात्मक जरूरतों पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विश्व और उसमें रहने वालों की भलाई के साथ संवैधानिक मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाना भी है। इस अवसर पर अ गाइड टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और पर्सपेक्टिव्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट नाम की 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा भी जाएंगे। राष्ट्रपति पारादीप में कल पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता बंदना समारोह में भाग लेंगे और वह वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी उद्घाटन करेंगी। वह पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल शोधन संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति मछुआरों से भी
बातचीत करेंगी। और अब खबरें चुनाव से जुड़ी हुई। तेलंगाना में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया। राज्य में प्रचार के लिए चार ही दिन शेष बचे हैं। राज्य में इस महीने की 30 तारीख को मतदान होने जा रहा है। सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों सहित प्रमुख दलों के शीर्ष नेता दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में आज तूप्रान और निर्मल में जनसभाएं करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कामारेड्डी और महेश्वरम में विशाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने यूपीए और बीआरएस पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में आज निर्मल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। निर्मल विधानसभा सीट आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी अलजापुर श्रीनिवास से विशेष बात की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए तेलंगाना की यात्रा पर हैं और धुआंधार रैलियां कर लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्मल आएंगे और निर्मल में आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो यहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ अभी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो अलजापुर श्रीनिवास जो लोकसभा के प्रभारी हैं आदिलाबाद के, वो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जो पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं पीएम मोदी की ये यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और प्रत्याशी हैं उसमें कितना जो है वो जान फूंक पाएगा? डेफिनेटली श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इस इलेक्शन चुनाव के संदर्भ में आने पर भारतीय जनता पार्टी का कद बहुत आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 असेंबली सेगमेंट्स है हैदराबाद पार्लियामेंट में, 7 के साथ जीतने की आशंका है। मोदी जी पर जबरदस्त प्रभाव है मोदी जी का काम के, मोदी जी के निर्णयों का। यहाँ के न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। महिलाओं पर 370 आर्टिकल समझो कश्मीर का या ट्रिपल तलाक समझो, ये निर्णयों पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोदी जी का निर्णय पर प्रभाव पड़ा है। केसीआर का जो भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार पर भी हमलावर है? लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, कितना जनता पर इसका असर देखा जा रहा है? नहीं, इसका डेफिनेटली मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इस प्रदेश में जो सरकार का, केसीआर सरकार का, उनका फैमिली सरकार का जो भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, ना भारत में ना और कहीं कभी नहीं हो सकता उतना भ्रष्टाचार है। ये सारे जनता में भारतीय जनता पार्टी नेत्रगण टोटली चेतना लाई है। लोग भी जान चुके हैं, तिरस्कार कर रहे हैं केसीआर जी को। इस बार टीआरएस या बीआरएस किसी सूरत में सत्ता के बाहर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली चुन कर आएगा, ये जनता का विश्वास। बीजेपी इस बार एरी चोटी का जोर लगा रही है और उसे उम्मीद है कि वो सत्ता में आएगी, नहीं तो जो सरकार बनेगी वो सरकार बिना बीजेपी के नहीं बनेगी। कैमरामैन ललित के साथ निर्मल तेलंगाना से, मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13,50,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं, आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हम सफर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और वहीं तेलंगाना में भाजपा पार्टी मिशन मोड पर है। पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है। प्रधानमंत्री समेत भाजपा पार्टी के दिग्गज नेताओं का प्रदेश में अभियान जारी है। राज्य में गृहमंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। अमित शाह आज राज्य में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में
मख्तल विधानसभा क्षेत्र, मुलगू विधानसभा क्षेत्र, बोंगीर विधानसभा, कुकटपैली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के लिए प्रचार होना है। और इससे पहले कल अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस और बीआरएस के स्टार प्रचारक भी मैदान पर उतरे हैं। दोनों पार्टी के कई नेता आज राज्यों में अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करेंगे। निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के तार करामा राव को नोटिस जारी किया और सरकारी परिसर टी वर्क्स में सभा करने के लिए स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है। आयोग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने आज शाम 3 बजे तक स्पष्टीकरण देने की समय सीमा तय की है, जिसका अनुपालन न करने पर उचित कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि तार करामा राव को आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सरकारी परिसर में युवाओं के साथ बैठक करते हुए देखा गया था और रोजगार के अवसरों के बारे में उन्होंने वायदे भी किए थे। बात राजस्थान की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। राज्य की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर कल मतदान में 74% से ज्यादा मतदान हुआ। अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। निर्धारित शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं को बाद में भी वोट डालने की अनुमति दी गई। मतदान खत्म होने के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को मतदान केंद्रों से जिलों के मतगणना केंद्रों पर बने स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। मतगणना अगले महीने की 3 तारीख को की जाएगी। अब चुनावों से कुछ इतर खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान अभी भी जारी है। अब सुरंग के भीतर बचाव अभियान दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा छतरी यानी प्रोटेक्शन अम्ब्रेला बनाया जा रहा है। आज से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा सकता है। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स की निगरानी में हो रहा है। डिक्स ने कल कहा था कि जिस ऑगर मशीन से ड्रिल किया जा रहा है वो खराब हो गई है। अब बचाव दल लंबवत और हाथ से ड्रिलिंग सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। इसमें काम कर रहे 41 श्रमिक फंस गए थे। तब से विभिन्न एजेंसियां उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चला रही हैं। इस बीच सीमा सड़क संगठन ने सुरंग के ऊपर तक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क पहले ही बना दी, क्योंकि लंबवत ड्रिलिंग पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है। खबर केरल से, जहां की कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कल देर शाम हुई भगदड़ के मामले में केरल सरकार ने कुलपति और प्रमुख सचिव से जांच रिपोर्ट की मांग की है। कल देर शाम म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान हुई भगदड़ में 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 46 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 3 छात्र शामिल हैं। 4 छात्रों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों को कलमाश्वरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। खबर मुंबई से, जहां आज तड़के गरज के साथ बारिश हो रही है। बारिश के कारण मुंबई का मौसम सुहावना हो गया। बारिश के कारण मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक गिरकर 100 से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर तूफान, बिजली, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके मद्देनजर राज्य के उत्तरी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है, और इसी के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की।
तो पंजाब के मोहाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव मानकपुर कल्लर में विभिन्न विभागों द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के उर्वरक सचिव रजत मिश्रा ने विशेष रूप से जागरूकता शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया, DAP और इफको सागरिका तरल सहित जो फर्टिलाइजर्स हैं और दवाएं हैं उनका छिड़काव करने से उर्वरक और पानी की बचत होती है और फसल की पैदावार भी बढ़ती है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने सरकारी सेवाओं के संबंध में अपने सफल अनुभव साझा किए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की टीमों द्वारा मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की BP, मधुमेह और रक्त की जांच की गई है। ओडिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। कल नवरंगपुर जिले में डबुगांव, उमरकोटे और कोसा गुमुडा ब्लॉक की कई पंचायतों में विकसित भारत यात्रा रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। BDO शरद चंद्र माछी ने डबुगांव में कार्यक्रम में भाग लिया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया तथा इच्छुक महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण करवाया गया। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की प्रमुख योजना की जानकारी वाले कैलेंडर और पैम्फलेट्स बांटे गए। वहीं ओडिशा के गजपति जिले में काशीनगर ब्लॉक के अंतर्गत खारदा और हदुभांगी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक GPEO एवं नोडल अधिकारी भगवान नायक, BEO आदिकंद गमांग और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार मांडी ने कई केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि किस प्रकार योजनाओं का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में जुटे लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। वहीं ओडिशा के ही कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ ब्लॉक के बीजेपुर और मलेजुबांग पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम जो था उसका आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं ने विकसित भारत का संदेश देने वाले रथ का स्वागत किया। बाद में लोगों को लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर लघु फिल्में LED स्क्रीन द्वारा दिखाई गई। लांजीगढ़ BDO तापस कुमार साहू और VBSY के नोडल अधिकारी दिलीप कुमार पात्रा के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने वहां मौजूद स्थानीय लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। इस बीच कुछ लाभार्थियों ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से जो अपने लाभ उन्हें मिले थे उनका अनुभव भी साझा किया। वक्त छोड़ से ब्रेक का आप देखते रहिए DD न्यूज। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। ओके भाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें और मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। तो देश में सौर ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में IIT गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने बड़ी पहल की है।
क्वांट सोलर नाम के स्टार्टअप ने पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की तकनीक को विकसित किया। इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही जल संरक्षण में ये तकनीक मददगार साबित होगी। पेश है यह खास रिपोर्ट। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल आमतौर पर जमीन पर या भवन की छतों पर लगाए जाते हैं, लेकिन IIT गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने पानी पर सोलर प्लांट स्थापित करने में दक्षता हासिल की है। क्वांट सोलर नाम के स्टार्टअप ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ इस तकनीक का फायदा यह है कि इससे जमीन की बचत होती है, जिसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स आर फास्ट इमर्जिंग एज थर्ड पिलर ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन अक्रॉस द ग्लोब आफ्टर ग्राउंड माउंटेड एंड रूफटॉप। And the reason being that floating solar offers a lot of inherent benefits which other mode of installation does not offer. Among these benefits, the most crucial one is about saving land, because we can use the unutilized water surface of reservoirs, dams, lakes, and that helps in saving the land for better utility. Floating solar plant ko dam aur jalashiyon ke upar lagaya ja sakta hai. पानी के कूलिंग इफेक्ट की वजह से बेहतर क्षमता के साथ ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही ये प्लांट वाष्पीकरण को 70% तक कम करते हैं, जिससे पानी को बचाने में भी मदद मिलती है। ज़्यादा एफिशिएंसी से पावर जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि पानी के कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनल्स का जनरेशन बेटर हो जाता है। और इसका एक और फायदा ये है कि ये पानी का इवोपरेशन रोक पाता है, जिसके कारण हम फ्रेश वाटर को बचा पाते हैं। अब हमारे देश में हजारों हजार जलाशय हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, झील हैं, तालाब हैं, तो अगर हम इन तरह के वाटर बॉडीज़ के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगाएं, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी बड़ा कदम होगा। देश में बड़ी तादाद में मौजूद जलाशय, डैम, झील और तालाब पर सोलर प्लांट लगाने से एक ओर जहाँ बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार साबित होंगे। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज़। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। गाजा पट्टी में 4 दिनों के संघर्ष विराम के दूसरे दिन हमास ने 13 इजरायली नागरिकों समेत कुल 17 बंधकों को रिहा किया। संघर्ष विराम के दूसरे दिन बंधकों और कैदियों की रिहाई को लेकर देर रात तक असमंजस की स्थिति बनी रही। हमास ने देर रात 13 इजरायली नागरिकों और 4 विदेशी नागरिकों को रिहा भी किया। इन सभी बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। इसके बाद इन्हें गाजा से मिस्र लाया गया और फिर मिस्र से सभी जो रिहा हुए बंधक थे वो इजरायल पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया, जिसमें 13 इजरायली नागरिक और 11 विदेशी नागरिक शामिल थे। इजरायल और हमास के बीच 4 दिन के संघर्ष विराम के दौरान गाजा में मानवीय सहायता तेजी से पहुंच रही है। हमास के प्रवक्ता ओसाम हमदान ने कहा कि शुक्रवार के बाद से कुल 340 ट्रक राहत सामग्री लेकर गाजा में पहुंचे। इसमें से 65 ट्रक उत्तरी गाजा में पहुंचाए गए। इस बीच इसराइल ने कहा कि वह संघर्ष विराम की शर्तों का सम्मान कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में खाद्य सामग्री, पानी, आश्रय सामग्री और मेडिकल आपूर्ति के 50 ट्रकों की तैनाती कर रहा है, जो कि उत्तरी गाजा ले जाया जाएगा। और अब करते हैं खेल जगत की खबरों का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 सीरीज का दूसरा मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना ली। पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक विशाल लक्ष्य को हासिल किया था। ऐसे में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में युवा टीम इंडिया एक बार फिर वही प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन के लियांग वई कैंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने शनिवार को सेमीफाइनल में चीन की हे जी टिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी को सीधे गेम्स में 21-15, 22-20 से हराया था।
और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।